उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सरकार कहे जाने वाले योगी राज में कानून व्यवस्था कितनी चरमरा गई है उसकी एक वानगी गोरखपुर में फिर से देखने को मिली। हर मंच से अपराधियों के खात्मे का नारा बुलंद करते योगी आदित्यनाथ को आपने जरूर सुना होगा, लेकिन असली सच्चाई कितनी डरावनी है ये तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। अस्पताल के बेड पर बेसुध पड़े ये शख्स डॉक्टर कफील के छोटे भाई कासिफ है। वही डॉक्टर कफील जो गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन केस को लेकर चर्चा में आए थे। परिवार के मुताबिक गोरखनाथ मंदिर के पास कासिक पर उस समय बदमाशों ने 3 गोलियां मारी जब वो काम को निपटाकर देर रात घर लौट रहे थे। हालांकि अब ये पुलिस जांच का विषय है कि आखिरकार किसके इशारे पर डॉक्टर कफील के छोटे भाई पर गोलियां चलाई गई, हमलावर कौन थे। ऐसे कुछ गंभीर सवाल है जिसके जवाब तो मिलने ही चाहिए। ये सवाल इसलिए क्योंकि डॉक्टर कफील अपने और परिवार पर खतरे की बात कही थी, आशंका जता चुके हैं कि उनको मारने की साजिश की जा रही है। इतना ही नहीं, योगी की पुलिस का बेरहम चेहरा भी सामने आया है। डॉक्टर कफील के मुताबिक बताया जाता है कि योगी की पुलिस ने कासिफ के इलाज में देरी की। हालांकि पुलिस गोलमोल जवाब देकर बचना चाह रही है। पिछले साल गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से दर्जनों मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। डॉक्टर कफील ने अपने पैसे से गैस सिलेंडर मंगवाकर कुछ बच्चों की जान बचाई थी, फिर भी योगी सरकार ने दोषी मानते हुए सस्पेंड कर जेल भेज दिया था। 8 महीने जेल में रहने के बाद पिछले दिनों ही हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो डॉक्टर कफील घर लौटे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट न्यूज लाइव।